सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने काइन मास्टर वीडियो एडिटर को फुल वर्जन अनलॉक कर सकते हैं और उसमें वीडियो लेयर को भी ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि सैमसंग या फिर और भी काफी सारे फोन हैं जिसमें काइन मास्टर फुल वर्जन वीडियो एडिटर सपोर्ट ही नहीं करता है। तो 50% से भी ज्यादा ऐसे फोन है जिसमें काइन मास्टर फुल वर्जन वीडियो एडिटर सपोर्ट करता ही नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा काइन मास्टर वीडियो एडिटर बताने वाला हूँ जिसमें आप ग्रीन स्क्रीन और वीडियो लेयर का भी यूज कर सकेंगे। तो देखते इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये कंफर्म करा देता हूँ कि मेरे फोन में काइन मास्टर फुल वर्जन सपोर्ट करता है या नहीं, उसमें वीडियो लेयर ऐड है या नहीं, या फिर ग्रीन स्क्रीन, या फिर हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम फुल HD में एक्सपोर्ट होती है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पहले ही मैसेज आ गया है कि हमारा जो फोन है काइन मास्टर को फुल सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो चलिए इसको आगे और दिखा देता हूँ। यहाँ से सेटिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मैं फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा तो उसकी मैक्सिमम जो साइज़ है वो 720p या फिर 736p, मतलब फुल HD में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये एप्लीकेशन वीडियो लेयर को भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इसमें वीडियो लेयर सपोर्ट है या नहीं। तो यहाँ से अब एम्पटी प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहाँ से एक वीडियो पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से अब मैंने एक वीडियो ऐड कर लिया है। अब लेयर पे क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें केवल 4 ऑप्शन मिल रहे हैं इस समय, इमेज, स्टिकर, टेक्स्ट, हैंडराइटिंग। तो यहाँ पर अभी केवल 4 फीचर्स हैं इसके, ये मेरे फ़ोन में पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं केवल इमेज लेयर ले सकता हूँ, अदरवाइज वीडियो लेयर यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इस काइन मास्टर को हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने अपना पुराना वाला काइन मास्टर को अनइंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ से अब मैं एक नए काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेता हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, ये काइन मास्टर ऐसा है कि ये 90% सभी फोनों में फुल सपोर्ट करेगा। इसमें आप वीडियो लेयर भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन का भी फीचर्स इसमें दिया हुआ है और मैक्सिमम आप फुल HD वीडियोज को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो चलिए अब इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो मेरा पहले का प्रोजेक्ट था तो वो यहाँ पर अभी शो कर रहा है। तो पहले चलते हैं हम इसकी सेटिंग में। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये काइन मास्टर हमारे फोन में पूरी तरह से सपोर्ट करता है और यहाँ पर हम अपनी फुल HD वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो पुराना वाला काइन मास्टर एप्लीकेशन था तो उसमें यहाँ पर केवल 720p को हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम 1080 पिक्सल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस हो लेते हैं और ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट। और इस बार हम लेयर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लेयर पे क्लिक करा इस बार यहाँ पर 5 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि पहला मीडिया है। तो अब यहाँ पर मीडिया में हम फोटो लेयर भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो लेयर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और हमें ऑप्शन नया मिल गया जो कि इफेक्ट है, तो इसमें कुछ इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो गए हैं। इसके अलावा ओवरले है, टेक्स्ट है और हैंडराइटिंग है। चलिए हम यहाँ पर एक वीडियो लेयर को ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो ऐड हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो और भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं, तो इसको प्ले करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दोनों ही वीडियो एक साथ प्ले हो गई हैं। तो इस तरह से हम अपने फोन में वीडियो लेयर को बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो जो पुराना वाला काइन मास्टर था तो वो सभी के फोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये काइन मास्टर 90% लोगों के फोन में सपोर्ट करेगा। अगर ये आपके फोन में सपोर्ट ना करे तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए। यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि क्रोमा की के नाम से है। तो अब इसको एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं।
और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया फाइल को, तो यहाँ पर हम फुल HD में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और HD में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि हमें पुराने वाले काइनमास्टर में केवल HD में एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।